थोड़ा सा नीचे कर दूं आपके हिसाब से। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत, आज आप यहाँ पे आए हैं इंडिया गेट पे, धर्मेंद्र जी आए हैं बिहार से, कुछ ही मिलने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और करीब करीब 80,000 सब्सक्राइबर है मेरे और जल्दी ही 1,00,000 होने वाले हैं। और धर्मेंद्र जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या सीखा धर्मेंद्र जी से आज तक आपने? धर्मेंद्र जी से ये मैंने सीखा है कि एक छोटे से लेवल गांव में रहने वाला आदमी आज 3,00,000 सब्सक्राइबर, आज इतनी पब्लिक भाग रही है, पेन करके दिखा दें इतना लाइक भीड़ आ रही है। तो अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना लाइक 100% देके आप अपनी फैन फॉलोइंग बना सकते हो और एक अच्छा सा करियर यूट्यूब में बना सकते हो। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आपके अंदर कुछ हुनर है, आप प्रूफ करना चाहते हो दुनिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, तो बिग एग्जांपल वहाँ है जो आज पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरा देख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये भी एक बहुत उभरते हुए देख रहे हैं, इतनी धूप में और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कैमरा लगा रहे थे तब मैंने देखा, इनका भी बहुत जुनून ज़्यादा है। तो हर कोई यहाँ पे देखो अपनी ड्रीम लेके आया है, ड्रीम उसी का सक्सेस होगा, वही लाइफ में सफल होगा जो 100% अपनी मेहनत देगा और काम करेगा और वो 100% सफल होगा। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। नाम रंजीत डिजिटल मार्केटिंग है, रंजीत आपको मिलते हैं यहाँ पे हर तरह की वीडियो। जीएसटी में अगर कोई जाना चाहे यूट्यूब से, कौन कौन लोग हैं यहाँ पे मोस्टली जो है यूट्यूब से ही है, यूट्यूब है। आप कहाँ से आए? जी मैं एक्चुअली आना बहुत हूँ शामली डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम? मेरा नाम है उमेश। वो सब यहाँ आप स्पेशली इंडिया गेट पे घूमने आए हैं या किसी खास काम से? जी मैं एक्चुअली मुझे पता लगा था, मैं धर्मेंद्र सर ने वीडियो डालता कि वो मीटअप होने वाले हैं इंडिया गेट पे, और दो दिन पहले ही मैंने देखा था। क्या सीखा आज तक आपने धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी से यह सीखा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास हुनर है और अगर आपका शौक है किसी चीज़ में और आप पेरेंट्स से या घर वाले पूछ चाहते हैं कि आपका क्या ये वो चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कि हम चाहते हैं कुछ घर वाले डालते हैं, तो आप शौक नहीं ज़रूरत, ऐसा ना हो कि ज़रूरत और शौक अलग अलग रखो। किस नाम से चैनल? मेरा नाम है उमेश सरदार के नाम से चैनल है। और कहना चाहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को? सब्सक्राइबर को यही कहूँगा कि आप जो है मेरी जो वीडियोस हैं उसे देख के ये रखिए कि मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि स्मार्टफोन में जो डीप टेक्नोलॉजी होती है वो बताता हूँ। जी तो ये स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी बताते हैं, यानी कि इनका टेक चैनल है। अगर आप कभी भी मोबाइल लेने जा रहे हैं तो मोबाइल लेने से पहले अबरार का चैनल जरूर देखिए, उमेश का चैनल जरूर देखिए और आप उसके बाद ही मोबाइल परचेज कीजिए। लेकिन यहाँ बात चल रही है एक ऐसे यूट्यूबर्स की जिसने ज़मीन से आसमान तक का सफर तय किया है, जो इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं। कुछ ही देर में उनकी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल यहाँ पे पूरे दिल्ली के यूट्यूबर्स हैं और दिल्ली से बाहर से भी आए हम, और भी कई यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और कौन यूट्यूबर्स हैं? किस नाम से चैनल है आपका? मेरा चैनल टेक्नोमोरिया। टेक्नोमोरिया के नाम से क्या कहना चाहेंगे? मेरा चैनल सिंपली एक टेक्निकल चैनल है जिसमें मैं मोबाइल कोई भी सॉफ्ट। कहाँ से आए आप? ईस्ट दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली से, जमुना पार्क से आप आए, तो कैसे पता चला यहाँ किसी स्पेशल काम से आए या किसी खास? स्पेशल काम बिल्कुल, एक स्पेशल काम है पहला मीटअप है। क्या सीखा आपने? सबसे ये सीखा कि अगर आपने काम सच्चे दिल मन और सच्ची लगन से करते हैं तो आप दिल से सक्सेस होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा चैनल टेक्नोमोरिया, तो आप जाइए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और कौन कौन यहाँ से? अच्छा कहाँ से आए आप? दिल्ली। कौन सी जगह से? दिल्ली भजनपुरा, पूर्वी दिल्ली के काफ़ी यहाँ पे शुभचंद तक पहुँचे हुए हैं धर्मेंद्र जी के। किस नाम से चैनल है आप? सचिन टेक्निकल। सचिन टेक्निकल, आप स्पेशली आए हैं धर्मेंद्र जी से? धर्मेंद्र जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं काफ़ी जन फॉलो कर रहा था, मैं देखता हूँ ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, मैं जो भी चीज़ डाउट होती दिमाग के अंदर मैं कमेंट कर डाल दो तो चीज़ों को वीडियो ला दें। अगर आपको विश्वास करना हो तो इनकी बातों पर आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, उनकी मैं आँख बंद करके उसको आप कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सब्सक्राइबर को कुछ कहना है? बिल्कुल, मेरा सचिन टेक्निकल का नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जरूर जरूर लाइक कीजिए। और हमारे साथ में एक और यूट्यूबर्स हैं
क्या नाम है सर आपका? महेंद्र। महेंद्र जी कहाँ से? सर ये वही है जो आपको कपड़े और सारी चीजें खरीदवाते हैं दिल्ली के अंदर, और ये मेट्रो से पहुंच जाते हैं हर जगह कैमरा लेकर, और ये सारा कुछ बताते हैं। दिल्ली NCR गाइड इस वक्त हमारे साथ में, खास तौर से दिल्ली से ही है, तो थोड़ा सा दोस्त प्लीज थोड़ा सा तो दिल्ली से ही हम जानना चाहेंगे क्या शिक्षा मिली और क्या सीखने पहुंचे आज यहाँ पर। आप कोई भी काम स्टार्ट कीजिए दिल से कीजिए, कुछ भी डिफरेंट आप ट्राई कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए कि वो काम जो कर रहा है वही काम आप करें। आप एक डिफरेंट काम अपना कोई भी जो अपने दिल से आपको अच्छा लगे वो कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और YouTube में आपको बताऊँ ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर आप किसी भी मुकाम तक पहुँच सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आप अपना एक यूनिक काम लेकर चलिए। तो हमने ये थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया कि जो दिल्ली के होलसेल के मार्केट हैं उनको दिखाने के लिए दिल्ली के बाहर के। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर जैसे काफ़ी लोग, जैसे मैं खुद ही हूँ, मैं मुझे कोई कपड़ा लेना है, मैं अपने नज़दीक कोई मार्केट ढूंढता हूँ तो उसमें वो चीज़ें बहुत कॉस्टली मिलती है। बट मैं ऐसे ही पहुँच गया एक दिन उसी होलसेल मार्केट के अंदर, और मैंने देखा कि वहाँ पर जो प्राइस है वो इतने सस्ते हैं, उससे 3 गुना रिटेलर हमें दे रहा है। तो आपने सोचा कि देश के लोगों को फायदा करना चाहिए और देश के लोगों को गाइडेंस देनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकें। आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आप सभी लोग मेरा वीडियो देखिए, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी वीडियो हैं और मैं जितने प्राइस में बताता हूँ उन पे आप आग बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा भरोसा है। अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो मैं ज़्यादा ही बताऊँगा, यानी कि मैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए वहाँ पे ये कहूँ कि प्राइस बहुत कम है, मैं जो एक्चुअल प्राइस होता है वही बताता हूँ, ताकि जो मेरे चैनल पर वीडियो देखकर अगर आप दुकान में जाते हैं तो आपको वही प्राइस मिले, कोई आप ये चीटिंग महसूस नहीं करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यूट्यूबर्स हैं आपके साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से? नोएडा से आया हूँ। अजीज नोएडा से, उत्तर प्रदेश से अजीज साहब हमारे पास पहुँचे, क्या चैनल का नाम है? टेक्निक फीवर, यानी कि अगर आप टेक्निक में तो आपको बुखार आने वाला है, ये समझ के रहिए, यानी कि बुखार चला देंगे आपको दिखा दिखा के इनके पास में क्या क्या टेक्निकल चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर को यहाँ आज इंडिया गेट पे किस खास मिलने के लिए आया था मीटअप के लिए? और सब्सक्राइब ले जाना चाहूँगा कि आप कभी भी केसेस में रखना छोड़े, काम करते रहें। वही मैंने सीखा था सर। क्या और क्या खास चीज़ सीखी है? पहले पेशेंस सीखा कि आप डाउन आता रहता है, बिलअप ना करें, मेरे साथ काम करते रहें, आप एक लेकिन सबसे जी बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपके चैनल का? गप शप एंटरटेनमेंट। क्या सीखा आपने? मैंने सबसे पहले ये सीखा कि आप चाहे कैसे भी बिलोंग करते हैं, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके मन में लगा दिया सचिन अगर करते हैं आपका कंटेंट अरे इधर देखना है तो यूज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी कम नहीं होने वाला ये नहीं चाहिए और आपको सक्सेस ही देने वाला है। क्या कहना चाहिए इनके कंटेंट को? एज सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप पूरी फैमिली के साथ में देख सकते हैं शॉर्ट के अंदर। जी शुक्रिया। आप भी यूट्यूबर्स हैं? नहीं, यूट्यूब दिल्ली व्यापारी जाना चाह रहे हैं, अभी आपको ही पहुँचा। क्या नाम है आपका? इंडिया देख सकते किस खास वजह से आज आप यहाँ पे पहुँचे? हाँ मैं अभी एक्चुअली दिल्ली में ही कवर कर रहा हूँ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ दिल्ली से बाहर जाने का, तो अभी सूरत का या तो कभी सूरत की हाँ काफ़ी वहाँ पे हाँ सूरत का होलसेल का मार्केट है कपड़े का, और हमारा तो टोटली ज़्यादा मुझे कपड़े दे रहता है, तो मैं उसको कवर करना चाहूँगा। तो मैं अभी जल्दी जल्दी तो माइक कितने का है वो बता दें। क्या नाम है और इंडिया गेट से किस खास वजह से पहुँचेगा आप?
खास वजह सबकी है कि यहाँ पर धर्मेंद्र जी से मिलना है और यहाँ पर मैं भी अपने चैनल चला रहा हूँ। किस नाम से चैनल? निखिल यादव ब्लॉग, इसके अंदर सारी आपको होलसेल बता के जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन ना देखिए, यहाँ पर बेसिकली काम कर रहा हूँ कि रिटेल का जो बजट है यहाँ पर उसको मिलने देखकर कैसे उसको दिल्ली NCR गाइड भी यहाँ पे आए हुए। हाँ जी, उन्हीं से थोड़ी सीख ली है और यहाँ पर स्टार्ट किया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसका ग्रो करना है। और यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी होलसेल इतना नहीं आया तो ऑनलाइन पर लाने में ज़्यादा फोकस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं, आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है और एक इंटरनेट कनेक्शन की। तो दिखा दीजिए अपनी कला आप पूरे देश की। और कौन कौन मीटिंग है? आपका किस नाम से रोल, किस नाम से चैनल? नॉलेज पढ़ा रहे हैं आपको? कहाँ से हैं? कामयाबी जरूर कामयाबी तो कामयाबी के अंदर कितना सक्सेस तक पहुँचा चुके हैं अभी तक? अभी तक तो हमने आगे और कुछ टिप्स और कौन यूट्यूबर्स हैं आइए? किस नाम से चल रहे हैं? मेरे चैनल का नाम है अभी मछली, यहाँ हमारे दर्शक जैसे कि अगर कोई मेरा नाम पूछता है तो मैं बताऊँगा मेरा नाम है नाड़ गजोधर पुंज पिताम्बर सुरेंद्र ऋषि बल्ली यज्ञ परम पीर परम बदूर चिन्ह स्वामी मुद्द स्वामी वैनुगोपाल। इसको अगर हम शॉर्ट में अभी शॉर्ट में अगर करते हैं तो आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इनसे हम पूछते हैं आप क्या चैनल इसके अंदर हौसले होने चाहिए। अगर आपके हौसले में उड़ान है महेंद्र आसमान में एक ऊंची उड़ान जरूर हो सकता है। और कौन जो चीज़ बस पहले ऑन कर लीजिए उसके बाद लगाइएगा थोड़ा सा। यार दोस्तों देखो आप सभी एक फैमिली हो यार, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हवा आने दीजिए यार, अभी थोड़ी सी हवा आने दीजिए। अभी देखिए हम और आप लोग प्लीज बैठ जाइए ना, देखिए ये पहला देखिए आप लोग ऐसे कॉपरेट नहीं करेंगे तो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ में वो सेलिब्रिटी है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। देश के अंदर फिल्म स्टार होते हैं, बहुत सारी अलग अलग सेलिब्रिटी होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनके चाहने वाले देश ही नहीं विदेश के अंदर भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे हम लोग कि जो धर्मेंद्र जी ने पूरे देश के अंदर अपने घर में बैठ के अपने स्टूडेंट बनाए हैं वो आज दिल्ली के अंदर आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने इंस्पिरेशन ली है और मैं भी इन्हें अपना गुरु मानता हूँ। ग्रेट, ताली बजाओ सर, वेरी गुड। और मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी आपने बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने आपकी देखी और बहुत सारी वीडियो देखने के बाद हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं और हमेशा हम आपसे सीखते रहते हैं। तो पिछली बार आपने दिल्ली के अंदर आए थे, मीटअप हुआ था, इस बार आपने अचानक मीटअप किया है और ये जितने भी आपके चाहने वाले यहाँ पे हैं मौजूद हैं, कैसा फील होता है आपको? पिछली बार पेड़ पे चढ़ा दिया था, इस बार नहीं चढ़वाएंगे? जी गाना भी गवा दिया था, गाना भी गवा दिया था। अरे दिल्ली वाले बिल्कुल दिलवाले होते हैं दोस्तों, और दिल से जो काम करते हैं करते हैं, ये उनका प्यार है जो हमको इतना इंस्पिरेशन देता है काम करने के लिए। और यही प्यार अगर जितना ज्यादा मुझे मिलता रहता है उतने जोश और जुनून से काम करते हैं,
दिल्ली, सही बात, सही कह रहा हूँ, हर मतलब दिल से कह रहा हूँ कि दिल्ली वालों को वजह से ही ना मैं इतना काम कर पाता हूँ, क्योंकि वो मीटअप में आप लोग पिछले मीटअप में भी जितने लोग यहाँ पे मुझे आप मिलते हैं भाई, तो क्या मैं कहूँ, बहुत प्यार देते हैं आप लोग, और जरूरी है अगर आप कुछ काम करने हैं करते हैं तो प्रोग्रेस होने के लिए जरूरी है ये चीज़ कि आप को कोई शाबाशी दे, आपको आपके काम को कोई सराहे थोड़ा, क्योंकि एक बार थोड़ा उसका कोई सराहता है, शाबाशी देता है तो आपको डबल ट्रिपल एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो कि दिल्ली वाले मुझे दिए हैं पिछले मीटअप से ही, और इसीलिए इसी रीज़न, यही एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं आपके पास में सवाल करते हैं, कमेंट्स भी आप बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मैं पिछली बार आपसे मिलना चाहता था लेकिन मुलाकात नहीं हुई, इस बार मैंने ठान लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है देश के अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, तो जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, नई जनरेशन है, उनके लिए किस तरीके से आप आगे तैयारियां कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पे हैं इंडिया गेट पे, लगभग 100 से 200 की तादाद में आपके प्रशंसक हैं, लेकिन आगे ये तादाद बड़ी होने वाली है, तो आप क्या तैयारी करेंगे? मतलब मेरे लिए या फिर दूसरों के? आपके लिए, आपके लिए कितना मतलब टफ होता जा रहा है इतनी ऑडियंस? हाँ, टफ तो मेरे लिए बिल्कुल हो जाता, जैसे आपके चाहने वाले हो जाते हैं प्रशंसक, उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है आपसे कुछ अच्छा चाहते हैं, और आप उस पर अगर खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर सब कुछ बेकार है। क्योंकि देखिए जितना भी कुछ आप किए हैं, जितना भी काम किए हैं पास्ट में, अगर एक दिन अपना ट्रस्ट खो देते हैं लोगों के बीच में, तो मुझे हर वीडियो बनाने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या मैं टॉपिक पे वीडियो दूं जो कि वो पसंद करें, उसको बढ़िया से सोच लूं, समझ लूं सब कुछ, तब जाकर उसको अपलोड करता हूं, बनाता हूं, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया, उसको मीट करना मुझे नहीं हो, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा, कितने भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे आपके, व्यूज़ नहीं आएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है, है ना। आज जो है एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं, एक वर्ड होता है डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर एक वर्ड होता है। आज ये एक जमाना आ गया है, अब आने वाले समय में क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी हैं, उनको आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं वो, है ना, कि मतलब वो जो चीज़ कह रहे हैं लोग भरोसा उन पर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप पे लोग भरोसा करें तो ब्रांड्स आप पे भरोसा करेंगे। सर आपके ऊपर भी हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बिल्कुल, और ये मिसाल है उसकी कि आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यही आगे जो है बढ़ते रहेगा, बिल्कुल, हम मेरा भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे काम करता रहूं। मैं बहुत सीरियसली काम नहीं किया हूं, लेकिन सर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है सर। तो सर बस हम खड़े उतरूंगा, बिल्कुल सर, हम लास्ट में बस एक आपका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, तो इसलिए एक मैं छोटा सा सम्मान करना चाहता हूं। आप सभी लोगों से कहूंगा थोड़े थोड़े से फ्री हो जाएं, एक छोटा सा सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जो आपका उस्ताद होता है, जो आपका